हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज 5.3 पॉइंट थ्री एक्सपोनेंट्स क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लार्ज नंबर डिस्क्रिप्शन डिस्कस अबाउट एक्सपोनेंट प्रॉब्लम्स मीन अपन एक्सपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चन और हैं उनको सोल्यूशन करेंगे तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज थ्री एट फोर फोर डबल जीरो ट्रिपल जीरो मीटर ये अपने को डिस्टेंस दे रही है किसकी अर्थ एंड मून की एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन अपने को इसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे शो करेंगे मीन स्टैंड होम में शो करना है तो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून ये राइड right करेंगे थ्री एट फोर फोर टू जीरो थ्री जीरो अभी स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं जीरो तो देखो राइट साइड से काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी वन डिजिट के बाद में डेसिमल लगाते हैं अपन तो कितने जीरो हो गए एट टाइम जीरो हो गया वो यानी एट हो गया एट डिजिट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीन एट डिजिट हो गए तो क्या इस कैसे राइट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में थ्री डेसीमल एट फोर फोर डेसीमल टेन की पावर एट मीटर यह हो गया आपने साइंटिफिक नोटेशन में शो करने का मैं था नेक्स्ट अपोन में आ जाए तो कैसे सोल्यूशन लेंगे तो देखो क्वेश्चन टू वन टाइम को अगेन थ्री टाइम जीरो इसको अपने को स्टैंड फॉर्म में राइट करना है तो देखो स्टैंड फॉर्म में राइट कैसे करेंगे पहले डिजिट काउंट करेंगे कितने जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टाइम जीरो है तो राइट कर लेंगे वन अपॉइंट टेन की पावर ट्वेल्व अभी ये अपॉन में है तो इसको अपन ऊपर न्यूनीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे जब डिनोमिनेटर न्यूमीटर बन जाता है तो टेन की बेस टेन के बेस में वो तो ये माइनस साइन लग जाता है पावर्स में एक्सपोनेंट्स में तो क्या हो जाएगा टेन की पावर माइनस ट्वेल्व मीटर अपना क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री के है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है अपने को थ्री की पावर फोर मल्टीप्लाई टू की पावर फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉइंट सिक्स की पावर फाइव तो देखो थ्री की पावर फोर से मीन क्या है थ्री फोर टाइम थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर फाइव से मिल गया है फाइव टाइम टू अपॉन सिक्स की पावर फाइव सिक्स की पावर फाइव से मिल गया सिक्स टाइम फाइव तो देखो राइट करो फोर टाइम थ्री वन टू थ्री फोर टाइम थ्री एंड फाइव टाइम टू अपॉन सिक्स टाइम फाइव तो देखो थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स एंड थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स फोर टाइम टू आ गया नीचे तो ये ऊपर जो फोर टाइम टू है वो कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर देखो ओनली टू एंड नीचे सिक्स तो क्या हो गया टू अपॉइंट सिक्स टू अपॉइंट सिक्स कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन्न थ्री ये अपने क्वेश्चंस थे इनके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन करना है तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है द वैल्यू ऑफ माइनस वन की पावर सिक्सटीन इज इक्वल टू अपने को वैल्यू फाइंड करनी है कि माइनस वन है और उसके एक्सपोनेंट्स में सिक्सटीन है अभी कल अपन ने डिस्कस किया था कि पावर में जब साइन बेस में साइन नेगेटिव हो और पावर में इवन नंबर हो तो साइन क्या हो जाता है प्लस साइन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एट की पावर जीरो मल्टीप्लाई फाइव की पावर जीरो माइनस सिक्स के पावर जीरो इज इक्वल टू अभी अपन ने कल क्वेश्चन सोल्यूशन किया था कि पावर्स में जीरो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है वन सेम वैसे ही करना है क्वेश्चन थ्री एक्स की पावर माइनस सिक्स की पावर फोर इज इक्वल टू अभी अपन ने कल क्वेश्चन सोल्यूशन किया कि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है सेम वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर फोर माइनस वन की पावर फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू अभी माइनस वन की पावर फिफ्टी थ्री है पहले माइनस वन की पावर सिक्सटी नाइन था वो ओड नंबर था सॉरी वो इवन नंबर था और ये ओड नंबर है जब माइनस साइन हो और इवन नंबर हो तो साइन पॉजिटिव आता है जब माइनस नंबर हो और जो पावर्स में ओड नंबर हो तो साइन नेगेटिव आएगा ये अपना क्वेश्चन फोर था क्वेश्चन फाइव सिंपली ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव की पावर सिक्स मल्टीप्लाई टी की पावर फोर अपॉन टेन की पावर सिक्स मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई टिक की पावर एट इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है पावर से मीन क्या है जितने टाइम ये नंबर है तो क्या सोल्यूशन करने को ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव आएगा सिक्स टाइम टी फोर टाइम है फिर अपॉन में दे रखा है टेन की पावर सिक्स मीन टेन सिक्स टाइम है फिर टू की पावर थ्री है तो टू थ्री टाइम है फिर मल्टीप्लाई में है टी की पावर एट तो टिक कितने टाइम आएगा एट टाइम जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देंगे इसके बाद में बेस सेम है तो ऊपर चला जाएगा ऊपर जाएगा तो साइन किसको रहेगा नेगेटिव रहेगा आप टिट मल्टीप्लाई करके इसको सोल्यूशन करेंगे ये अपने अपने जो एग्जाम्पल सोल्यूशन किए उनके पे पर क्वेश्चन है इनको सोल्यूशन करना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स